हेलो मालिक के श्री चरणों में इस हरिया का प्रणाम स्वीकार हो। हरिया, आज मुझे तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो। महाराज, दुख की तो बात हो ही सकती है। आज मेरे साथ समय ने ऐसा खेल खेला है कि मैं जानकर भी कुछ ना कर सका। अपने मरे हुए बेटे पर मैं कर लेके आया हूं। आप शायद मेरे बारे में मेरी विथा नहीं जानते। अरे हरिया, तुमने तो बहुत बड़ा राज मुझसे छुपा कर रखा। हरिया, तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया पहले। अगर जानना चाहते हो। हाँ बिल्कुल जानना चाहते। बिल्कुल सुनिए मेरी बात। ये इस किस्से की अंतिम रागिनी में पेश कर रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र अपना भेद खोल रहे हैं। समय का मौका है के फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है पुराना सचीर मेरी नार का। अरे हरिया, तुमने तो बहुत जुलम कर दिया ये। के जब दिन कर दिस के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं अपना कोई दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं बहन भी आंख दिखाती है। अरे भाई भी बुरा मुंह करते हैं भाभियों को नफरत आती है। और बात अच्छी लगे तो ताली चाहूंगा कि अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। जब ये गर्दिश रंग दिखाती है, सुनिए मेरी बात। आई ये आपका कर है के फूटी तकदीर मेरी। ना ना हरिया, बंधे नहीं धीर ये है पुराना सचीर मेरी नार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है पुराना सचीर मेरी नार का। आए रे मालिक, हाल का सुनाऊं अपनी मुकद्दर की हार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है पुराना सचीर मेरी नार का। पूरा परिचय दे। मेरा परिचय जानना चाहो? हाँ जी हाँ जी, अभी सुनिए। कहिए क्या बताया भला। हाँ जी, पुरी में कदे राज में करे था। अवध पुरी में कदे राज में करे था। ऑर्डर चले था सर पे ताज में धरे था। ऑर्डर चले था सर पे ताज में धरे था। साधु थे परवीन मने वचन भरे दीन। मालिक बिगड़ गया सीन दरबार का। हाय रे मेरा राज खे के कर्जा धर दिया मुझे साठ भार का। उसी तक वीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है पुराना सचीर मेरी।
मेरे मालिक हरिया, मैं कभी अवधपुरी में राज किया करता था जी हरिया। साधु आए, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, ना जाने परीक्षा थी या मेरा समय। स्वप्न में साधु ने मुझसे राजपाट दान में मांग लिया, मैंने सहर्ष दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझ पे राजपाट लेने के बाद भी 60 भार सोना और कर्ज दिया, जिसके कारण मैंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेचा। आगे सुनिए मेरी व्यथा क्या हो सकती है। हाँ जी, अरे अवधपुरी से साधु काशी में आया, अवधपुरी से साधु काशी में आया, तीनों प्राणी बिक के कर्जा न्यू बनना चुकाया, तीनों प्राणी बिक के कर्जा न्यू मने चुकाया। तारा और रोहतास रह रे रामलाल के पास मैं हूँ, हरिचंद तेरा दासी घर बार का है रे। तीनों अलग अलग होके देखो खेल कर तार का, टूटी तक दीर मेरी हथे नहीं धीर है, पुराना सतीर मेरी नार का। मेरी व्यथा यहां भी खत्म नहीं होती है। अभी भगवान ने मुझे परीक्षा लेने से छोड़ा नहीं है, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। सुनिए जी हरिया, इकलौती संतान मेरा एक बेटा आज्ञाकारी जिसका नाम रोहित। अब सुनिए मेरे साथ क्या होता है। अरे काले सांझ बेटा मेरा विषयर ने खाया, इस वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया। ओ काले सांझ बेटा मेरा विषयर ने खाया, इस वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया, इस वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया। रानी ले के हास रोती आई मेरे पास, दुखिया भोग रही त्रास सुत के प्यार का है रे। मैंने मांगा था मैसूल दे दे कामना उधार का, फूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर है, पुराना सतीर मेरी नार का। आपकी समझ में आई हो तो एक बार तालियों से जरूर चाहूंगा आपके स्वागत। हरिया महाराज, तुमने मुझसे बहुत बड़ा राज छुपाया। ये राज नहीं है महाराज, ये राज नहीं है। देखिए, मैंने यहां तक बताया है कि कल मेरा वंश भी नष्ट हो गया है। एक बेटा है जिसको सर्प ने डस लिया है, और रानी उसकी लाश लेके जब मेरे पास आई, मेरे सामने मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी निष्ठा, मेरा फर्ज खड़ा हुआ था। मैंने उससे कर मांग लिया, ये वही कर है, क्योंकि मरी घट का काले उस पे नहीं बाकी राया, मरी घट का काले उस पे नहीं बाकी राया।
बदले में प्याही का मैं चीर तार लाया, बदले में प्याही का मैं चीर तार लाया, कर में जंजीर कलकी कफन समझ चीर भैया, हो लिया खीर राजकुमार का, अरे सजनो ढंग बदल गया चनार तनू तेरे पार चार का, फूटी तक तीर मेरी बंधे नहीं तीर ये पुराना सचीर मेरी नार का, अरे